सर के झड़े हुए बाल अगर दोबारा से रीग्रो करना चाहते हो तो रोजमेरी लीफ से बनाइए ऑयल और हेयर टोनर इस्तेमाल करना शुरू कर दो। हेयर फॉल 90% तक स्टॉप हो जाएगा और बाल सुपर फास्ट ग्रो करने लगेंगे। हेलो एवरीबॉडी, रोजमेरी और रोजमेरी एसेंशियल्स ऑयल आजकल मार्केट में काफी ज्यादा इन है और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रोजमेरी लीव से बने एसेंशियल ऑयल और ऑयल्स हमारे बालों का हेयर फॉल बिल्कुल 90% तक स्टॉप करने की क्वालिटी रखते हैं और आपके बालों को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसलिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत कम पैसे खर्च करके भी आप रोजमेरी ऑयल और टोनर घर पर बना सकते हो। जो लोग तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं उन लोगों के लिए मैंने टोनर प्रिपेयर किया है, तो चलिए देखते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। पहले मैं बनाऊंगी रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल बनाने के लिए पहले आपको लेनी होगी रोजमेरी लीव्स। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो कहीं पर भी मिल जाएगी। ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है एंड जो पैसे आप हेयर लॉस होने के बाद डॉक्टर को देने वाले हो उससे तो ये बहुत ही चीप प्राइसेस में आपको मिल जाएगी। रोजमेरी स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेबिलिटी रखता है हेयर रीग्रोथ करने की, मतलब आई कैन नॉट टेल यू। इसमें हमारे बालों के लिए हर तरीके के गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, कार्सोनिक एसिड एंड एंटी फंगल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके बालों को रिपेयर करती है। ओवरऑल आपके बालों की हेल्थ पर पूरा ध्यान रखती है। तो तेल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें ऐड किया है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। ये नारियल का तेल ऑर्गेनिक है यानी खुला हुआ है। आप भी इस ऑयल को बनाने के लिए खुला यानी ऑर्गेनिक तेल का इस्तेमाल करेंगे जो कि प्योर होता है। ये आपके बालों में पॉजिटिव रिजल्ट देता है और ये किसी दूसरे इंग्रेडिएंट की गुडनेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप भी प्योर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये आपको किसी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। कोकोनट ऑयल आपके बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है, तो मैंने 5 से 6 चम्मच कोकोनट ऑयल इसमें ऐड किया है। देन मैं इसके बाद इसमें डालूंगी 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स, जो हमारे ऑयल को बनाने के लिए आज का मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसको पकाने से पहले हम टोनर बना लेते हैं, दोनों चीजों को हम साथ में पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, टोनर बनाने के लिए मैंने पानी लिया है एक बर्तन में और इसमें ऐड किया है 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेल लगाना नहीं पसंद होता, वो ये टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं और अपने बालों की रीग्रोथ भी कर सकते हैं। दोनों चीजों को मैंने गैस पर रखा और 2 से 3 मिनट तक पकाया। ज्यादा आपको नहीं पकाना है, आपको मैक्सिमम 3 मिनट तक इसको पकाना है। जब आपका तेल कुछ इस तरीके से हो जाएगा और टोनर अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो आपको गैस बंद कर लेना है। और टोनर को ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे स्प्रे बोतल में कर लिया था। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप तेल नहीं लगा सकते तो आप ये टोनर अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल कर सकते हो। अपने बालों के जड़ों में इसको लगा सकते हो। और जो तेल मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपको रोजमेरी लीव्स के साथ किसी बोतल में कर लेना है, इसे आपको छानना नहीं है। पर मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप दोनों चीजें यूज करते हो, दोनों इस्तेमाल करते हो, तभी आपके बाल टूटना बंद होंगे और बहुत तेजी से बढ़ेंगे भी, क्योंकि दोनों ही रोजमेरी लीफ से मैंने बनाए हैं। तेल बहुत ही पावरफुल है और आपके बालों को ग्रोथ भी करने में हेल्प करता है और टोनर आपके बालों के डैमेज को कम्प्लीटली ठीक कर देता है। रोजमेरी हेयर टोनर मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, अगर इसे मंडे यूज किया है तो आप इसे ट्यूजडे छोड़कर वेडनेसडे इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये अपने बालों की जड़ों में लगाना है यानी स्प्रे करना है। और जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो रात को सोने से पहले आप रोजमेरी ऑयल लगाकर थोड़ी सी मसाज करो, अगले दिन इसे वॉश कर लो। यहाँ पर मैंने आपको लगाने के लिए दिखाया है, पहले मैंने टोनर इस्तेमाल किया लेकिन नेक्स्ट डे मैंने ऑयल लगाया था। अगर दोनों चीजें आप साथ में कंटिन्यू करते तो आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि मैंने भी अपने हेयर फॉल में इसको ही इस्तेमाल किया था और रिजल्ट इतने अच्छे मिले थे कि 10 दिन में ही हेयर फॉल कंट्रोल हो गया था और छोटे छोटे बाल भी उगने लगे थे। इस तरह से आप भी अपने हेयर फॉल को महंगे महंगे शैम्पू प्रोडक्ट यूज करने से अच्छा इसे लगा सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। तो पेशेंस होकर पॉजिटिवली आप इसे इस्तेमाल करो। बिल्कुल रॉकेट की तरह तो आपके बाल नहीं बढ़ेंगे। कोई भी रेमेडी आप यूज करती हो तो थोड़ा टाइम जरूर लगता है। 1 महीने आप इस्तेमाल करके देखो और अपने रिजल्ट, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करो। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।